तो हे गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फिर से और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो क्या होने वाला है, तो गाइस आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया कि आज का वीडियो होगा सिनेमैटिक। ठीक है, तो दोस्तों सिनेमैटिक के मतलब ऐसा नहीं है जो गाइस कलर ग्राइंडिंग करना है। सिनेमैटिक गाइस बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, ब्लॉग के लिए सिनेमैटिक अलग है, और गाइस अगर आप कोई भी मूवी देखेंगे उसमें गाइस सिनेमैटिक अलग है। मतलब हर जगह के लिए दोस्तों सिनेमैटिक जो अलग अलग टाइप का होता है। तो आज का जो गाइस सिनेमैटिक होने वाला है ब्लॉग के लिए। तो दोस्तों आप तो यार ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग बनाने के टाइम दोस्तों आपके मन में एक ही ख्याल आता है और गाइस एक ही डाउट रहता है कि वीडियो को गाइस और भी थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, और भी थोड़ा सा कलर ग्राइंडिंग करेंगे, और भी थोड़ा सा मतलब अच्छा टाइप का वीडियो लेके जो सिनेमैटिक तरह, और वीडियो को शूट करके इसको मैं अपलोड करूँगा हमारे ब्लॉग पर। तो दोस्तों ऐसा आपके मन में आता होगा, बट यार आप क्या करते हैं वीडियो शूट करने के बाद जैसा वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा फीका पड़ जाता। तो गाइस जब आप ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग में वीडियो को अपलोड करने जाते हैं, तो दोस्तों जैसे आप वीडियो को कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो शूट करने के टाइम आप गाइस देखते हैं नहीं वीडियो अच्छा बन गया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपके मन में एक ही थोड़ा सा यार मतलब डाउट रहता है कि नहीं ये वीडियो और थोड़ा सा अच्छा होता तो बेटर होता। मतलब ऐसे गाइस आज मैं जो गाइस तीन ऐसे डाउट क्लियर करूंगा जो गाइस आपके साथ होता है, आपके साथ क्या गाइस सभी के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो शूट करेंगे वो गाइस करेंगे सैमसंग का, जो गाइस मैंने नया फ़ोन लिया था F23 जो गाइस 5G वाला। तो उसमें दोस्तों आपको जो स्टेबलाइज मिलेगा उसमें गाइस आपको वाइड एंगल देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज ये जो तीन डाउट है मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे जो गाइज मेन है आपको गाइज स्टेबलाइज में वीडियो को शूट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको तो पता ही है जो गाइज सैमसंग का जो गाइज कलर आता है कैमरा में बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है। ठीक है, तो ये तो गाइज हो गया। अभी गाइज दो नंबर का मैंने बता दिया आपका गाइज स्काई, अगर देखेंगे जिस टाइम यार अच्छा स्काई आ रहा है उसी टाइम आपका व्यू को आपको पहले शूट करना है। और थर्ड नंबर पर जो गाइज आता है कलर ग्राइंडिंग। दोस्तों आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, अगर आप हरियाली टाइप का गाइज अगर आप वीडियो बना रहे तो दोस्तों कलर आपको ग्राइंडिंग थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जो गाइज प्रॉब्लम है मैंने गाइज वीडियो शूट किया था बट यार वो जो वीडियो था गाइज मैंने गाइज जहाँ पर यार ब्लॉग टाइप का थोड़ा बनाया था कि वीडियो को आपको कैसे शूट करना, किस तरह से दोस्तों आपको वीडियो को शूट कर सकते हैं, तो ये गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जो गाइस हमारा डिलीट हो चुका है वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो गाइस हमारे पास है वही मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से दोस्तों हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट कर देना। दोस्तों हमारा जो ब्लॉग चैनल है उसको यार सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। फर्स्ट मतलब नंबर वन जो गाइस आता है आपको दोस्तों कुछ इस तरह का पहले आपको वीडियो को शूट कर लेना है। पहले वीडियो में चला जाऊंगा और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सेट कर लिया, और वाइड एंगल सेट करने के बाद आपको दोस्तों चालू करना है। मैंने गाइस यहाँ पर चालू कर दिया, तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से जो है गाइस आपको फर्स्ट शूट को ले लेना है। ठीक है, तो गाइस आपको थोड़ा सा धीरे लेना है। ठीक है, क्योंकि गाइस मेरा वाइड एंगल है इसीलिए जो गाइस मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा चारों के चारों क्लिप है गाइज मैंने शूट किया था, और लास्ट में जो गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा वाला शूट वो गाइज वाइड एंगल से लिया था। तो गाइज थोड़ा सा भी एडिट नहीं है उसमें, थोड़ा सा भी एडिट नहीं है, बस गाइज नॉर्मल कैमरा से हमने जो गाइज वीडियो को शूट किए थे, और बहुत ही जो गाइज अच्छा टाइप का उसमें गाइज व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा व्यू आया था, और जो गाइज व्यू था ना बहुत ही मुझे पसंद आया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दोस्तों वो तो आपको लास्ट में मिलेगा, बट अभी जो गाइज मैं बात करने वाला हूँ आपको दोस्तों कलर ग्राइंडिंग कैसे करना है। तो दोस्तों आपको इंसर्ट पहले डाउनलोड कर लेना क्रोम ब्राउज़र से, क्रोम ब्राउज़र से इंसर्ट को डाउनलोड करने
करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को लेना है। और वीडियो को लेने के बाद दोस्तों मैं जो आपको अभी दिखा रहा हूँ साइड में, बस आपको ऐसे आपको थोड़ा सा यार जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको एडजस्टमेंट जहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा फिल्टर का ऑप्शन का आएगा, उसके बाद एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एडजस्ट में जाना है। और गाइज वहाँ पर आपको मिल जाएगा हुई का ऑप्शन, देखेंगे तो हुई टाइप का जो गाइज आता है, जो गाइज ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर दोस्तों आपको कलर बहुत सारा मिल जाएगा, सेम टू सेम जो गाइज आपको कैपकट की तरह जो गाइज आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना होगा और कुछ इस तरह से जो गाइज ग्रीन वाला, आपको ग्रीन वाला टिक को ऊपर करना है। उसके बाद अगर स्काई में गाइज आपको देखेंगे थोड़ा सा हल्का ब्लू है, तो आप गाइज ब्लू के ऊपर क्लिक करके आपको ब्लू को करना है और कुछ छेड़खानी नहीं करना, बस आपको ग्रीन जो गाइज आपका जो नेचुरल टाइप का ज्यादा हरा भरा रहेगा, आपको ग्रीन को ही ज्यादा से फर्स्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका ब्लू वाला है कुछ इस तरह से करना है। आपको दोस्तों पूरा वीडियो में हुई का जो गाइज ऑप्शन आता है उसी का गाइज काम है, आपको जस्ट कलर को ग्राइंडिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो को बना के आपको अपलोड करना है, ठीक है गाइज। जो यहाँ पर पूरा यार शूट खत्म हो चुका है, अभी गाइज करना है एडिटिंग। तो चलिए दोस्तों आपको गाइज कौन सा एप्लीकेशन से गाइज आपको एडिटिंग करना है, दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनशॉट पे ही गाइज आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गाइज इनशॉट में बहुत ही प्रॉपरली जो गाइज अच्छे तरीके से। और सबसे अगर बात करेंगे तो कैपकट से भी हो जाता है, कैपकट में यार कलर ग्राइंडिंग करने के लिए भी मिलेगा, बट यार अगर आप इनशॉट यूज करेंगे तो इनशॉट में बहुत ही तगड़ा टाइप का एडिटिंग होता है, ठीक है। और उसमें गाइज 4K वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा आपका, गाइज बहुत सारा यार फीचर भी मिल जाएगा, इफेक्ट वगैरह मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अभी जो गाइज आपको एडिटिंग दिखाएंगे, शायद यार वीडियो बड़ा होगा तो वीडियो को स्किप मत करना, डोंट स्किप वीडियो, क्योंकि गाइज आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो यही होने वाला है।